जय शंकर प्रसाद की दूसरी कहानी लेकर आया हूँ, उस पार का योगी। सामने संध्या धूसरती जल की एक चादर बिछी है, उसके बाद बालू की बेला है, उसमें अटखेलियां करके लहरों ने सीढ़ी बना दी है। कौतुक यह है कि उस पर भी हरी भरी धूप जम गई है। उस बालू की सीढ़ी की ऊपरी सतह पर जाने कब से एक शिला पड़ी है। कई वर्षाओं ने उसे अपने पेट में पचाना चाहा, पर वह कठोर शिला गल न सकी, फिर भी निकल ही आती थी। नंदलाल उसे अपने शैशव से ही देखता था। छोटी सी नदी जो उसके गांव से सटकर बहती थी, उसी के किनारे वह अपनी सितारी लेकर पश्चिम की धूसर आभा में नित्य जाकर बैठ जाता। इस रात को चांदनी निकल आती, उसमें देर तक और अंधेरी रात के प्रदोष में जब तक अंधकार नहीं हो जाता था, बैठकर सितारी बजाता अपनी टपरियों में चला जाता था। नंदलाल अंधेरे में डरता न था, किंतु चंद्रिका में देर तक किसी अस्पष्ट छाया को देख सकता था, इसलिए आज भी उसी शिला पर वह मूर्ति बैठी है। गैरिक वसन की आवाज सांध्य सूर्य से रंजित नभ से होड़ कर रही है। दो चार लटें इधर उधर मांसल अंश पर वन के साथ खेल रही हैं। नदी के किनारे प्रायः पवन का बसेरा रहता है, इसी से यह सुविधा है। जब से शैशव सहचरी नलिनी से नंदलाल का वियोग हुआ है, वह अपनी सितारी से ही मन बहलाता है, सो भी एकांत में, क्योंकि नलिनी से भी वह किसी के सामने मिलने पर सुख नहीं पाता था। किंतु हाय रे सुख, उत्तेजनामय आनंद को अनुभव करने के लिए एक साक्षी भी चाहिए। बिना किसी दूसरे को अपना सुख दिखाए हृदय भली भांति से गर्व का अनुभव नहीं कर पाता। चंद्र किरण, नदी तरंग, मलय हिलोल, कुसुम सुरभि और रसाल वृक्ष के साथ ही नंदलाल को यह भी विश्वास था कि उस पार का योगी भी कभी कभी उस सितारी की मीड़ से मरोड़ खाता है। लटें उसके कपोल पर ताल देने लगती हैं। चांदनी निखरी थी, आज अपनी सितारी के साथ नंदलाल भी गाने लगा था। वह प्रणय संगीत था, भावुकता और काल्पनिक प्रेम का संवार बड़े वेग से उच्छ्वसित हुआ। अंतकरण से दबी हुई तरल वृत्ति जो विस्मृत स्वप्न के समान हल्का प्रकाश देती थी, आज न जाने क्यों गैरिक निर्जर की तरह उबल पड़ी। जो वस्तु आज तक मैत्री का सुख चिन्ह थी, जो सरल हृदय का उपहार थी, जो उदारता की कृतज्ञता थी, उसने ज्वाला लालसापूर्ण प्रेम का रूप धारण किया। संगीत चलने लगा। अरे कौन है, मुझे बचाओ। आह, पवन ने उपयुक्त दूत की तरह यह संदेश नंदलाल के कानों तक पहुंचाया। वह व्याकुल होकर सितारी छोड़कर दौड़ा, नदी में फांद पड़ा। उसके कानों में नलिनी का सा स्वर सुनाई पड़ा। नदी छोटी थी, खर स्त्रोता थी। नंदलाल हाथ मारता हुआ लहरों को चीर रहा था। उसके बाहुपाश में एक सुकुमार शरीर आ गया। चंद्र किरणों और लहरियों को बातचीत करने का एक आधार मिला। लहरी कहने लगी, अभागे, तू इस दुखिया नलिनी को बचाने क्यों आया? इसने तो आज अपने समस्त दुखों का अंत कर दिया था। किरण, क्यों जी, तुम लोगों ने नंदलाल को बहुत दिन तक बीच में बहाकर हल्ला गुल्ला मचाकर बचाया था। लहरी, और तुम ही तो प्रकाश डालकर उसे सचेत कराती रही हो। किरण, आज तक उस बेचारे को अंधेरे में रखा था, केवल आलोक की कल्पना करके वह अपने आलेख्य पट को उद्भाषित कर लेता था। उस पार का योगी सुदूरवर्ती प्रदेशी की रम्य स्मृति को शांत तपोवन का दृश्य था। लहरी, पगली सुख स्वप्न के सदृश और आशा में आनंद के समान मैं बीच में पड़ी पड़ी उसके सरल नेह का बहुत दिनों तक संचय करती रही। आंतरिक आकर्षक पूर्ण सम्मिलन होने पर भी वासना रहित निष्काम सौंदर्यमय व्यवधान बनकर मैं दोनों के बीच में बहती थी, किंतु नंदलाल इतने में संतुष्ट न हो सका। उछल कूद कर हाथ चलाकर मुझे भी गंदला कर दिया। उसे बहने डूबने और उतराने का आवेश बढ़ गया था। किरण हूँ, तब डूबे बहें। पवन चुपचाप इन बातों को सुनकर नदी के बहाव की ओर सर्राटा मारकर संदेशा कहने को भगा, किंतु वे दूर निकल गए थे। सितारी मुचना में पड़ी रही। तो दोस्तों, मैं और कहानियां लेकर आऊंगा।